गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अंजुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। सो गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्री बर्थडे प्रिपरेशन। प्री बर्थडे प्रिपरेशन यानी कि बर्थडे से पहले होने वाली प्रिपरेशन। तो बर्थडे किसका है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बर्थडे किसका है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी हमारे घर में ही बर्थडे है, इतना आप समझ लीजिए। और उसकी पहले की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, यानी कि साफ़ सफाई और सामान वगैरह सब सेट करना। तो प्लीज़ आप लोग इंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को। सो घर में कोई काम होता है, कोई त्यौहार, कोई प्रोग्राम, कोई बर्थडे वगैरह, तो घर की सबसे पहले हम साफ़ सफाई करते हैं। हम हाउसवाइफ का जो फर्स्ट काम होता है वो होता है घर की साफ़ सफाई और सामान की सेटिंग वगैरह करना, क्योंकि गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो घर में अच्छा नहीं लगता है कि फैलावा फैला हुआ है या कुछ चीज़ें गंदी पड़ी हैं। तो सबसे पहले हम हाउसवाइफ घर की साफ़ सफाई पर ही ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए। तो ये 9 सितंबर मॉर्निंग टाइम है। यहाँ मैं अपनी सबसे पहले किचन की सफाई कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह मैंने इन लोगों को सुबह ही करा दिया था, जल्दी उठ गई थी मैं क्योंकि मुझे साफ़ सफाई में लगना था। इस वजह से मैंने नाश्ता वगैरह इन लोगों को सुबह ही करा दिया था। तो यहाँ मैं किचन की साफ़ सफाई वगैरह कर रही हूँ, झाड़ पूछ, ये बर्तनों का स्टैंड है। वैसे तो मैं रोज़ ये साफ़ करती ही हूँ, सब हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ। ज़्यादा गंदा तो कुछ नहीं है, अगर हाथ के हाथ चीज़ें साफ़ होती रहें तो गंदगी नहीं मालूम पड़ती है। और ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ मेरी हेल्प कराते हुए, एक्चुअली वो देखते हैं कि हाँ अकेली लगी हुई है, उन्हें टाइम होता है तो वो साथ में लग जाते हैं, और होना भी चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है, जो एक दूसरे से प्यार का रिश्ता, एक दूसरे को समझने का रिश्ता, हर बात एक दूसरे के बिना कहे पहचानने का रिश्ता, ऐसा ही होता है मियाँ बीवी का रिश्ता। अगर मियाँ बीवी बनने से पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाएं तो उनके रिश्ते से ज़्यादा पक्का रिश्ता और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। हर हस्बैंड को चाहिए कि वो अपनी बीवी को समझे, उन्हें फुल सपोर्ट करे, उनकी अच्छाई में भी उनका साथ दे और उनकी गलतियों में भी उन्हें रोके टोके, उन्हें संभाले, उनकी गलतियों को सुधारने की कोशिश करे। और हर बीवी को भी चाहिए कि अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा रखे, उनके हर काम में उनका साथ दे, उनकी अच्छाई में भी और उनके बुरे वक्त में भी उनका पूरा पूरा साथ दे। क्योंकि अच्छा और बुरा वक्त तो आता ही जाता रहता है, अगर अच्छे बुरे वक्त में मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। मियाँ बीवी तो साइकिल के दो पहियों की तरह होते हैं जो एक साथ ज़िंदगी में चलते हैं, अगर एक रुका तो दूसरे की रफ्तार अपने आप ही धीमी पड़ जाती है। तो इसलिए खुश रहिए, प्यार बांटिए और एक दूसरे का फुल सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को समझिए। खुशी और गम तो ज़िंदगी के दो पहलू हैं, दो पन्ने हैं, ज़िंदगी में लगे ही रहते हैं। मगर अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ हैं तो कोई गम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर, तो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह अपने रूम की चेंज कर दी है क्योंकि मैं वॉश करूँगी, और यहाँ वही मैं झाड़ पोछ और सामान की सेटिंग वगैरह कर रही हूँ। सोफ़े कवर मैं वॉश नहीं करूँगी क्योंकि सोफ़े कवर मैंने अभी एक दो दिन में ही वॉश किए थे तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, और बेडशीट मैं हर दूसरे दिन ये वाली चेंज करती रहती हूँ तो ये भी साफ़ ही है। और ये अब धुलाई की तैयारी हो रही है। और ये मेरे बच्चे क्ले के साथ खेल रहे थे तो ये सांप बनाकर और गले में डाल रखा है तो आगे कह रहा था मम्मा मेरी पिक ले लो, मेरी वीडियो बना लो, तो मैंने तुरंत उसकी वीडियो बनाई। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। तो यहाँ किचन की पहले मैं धुलाई कर लूँगी फटाफट से। सारा सामान मैंने उठाकर किचन में ऊपर रख दिया है ताकि भीगे ना। और ये रूम की भी धुलाई हो रही है, ये मेरे हस्बैंड साथ में काम करते हुए मेरी हेल्प कराते हुए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं, एक्चुअली उनकी अर्जेंट कॉल आ गई थी तो उन्हें अर्जेंटली जाना पड़ गया था। तो यहाँ मैं खुद ही साफ़ सफाई वगैरह कर रही हूँ। मैंने भी उनसे कह दिया था आपकी कॉल आ रही है, वैसे तो वो ये कह रहे थे मैं
तुम्हारी पूरी हेल्प करा के ही जाऊँगा, कहाँ अकेली लगी रहोगी? तो मैंने कहा नहीं, आपकी अर्जेंट कॉल है, आप जाइए, साफ़ सफाई मैं खुद कर लूँगी, ये तो हमारा रोज़ का ही काम है। तो यहाँ मैंने बाथरूम वगैरह की भी सफ़ाई कर दी है, वॉश बेसिन भी साफ़ कर दिया है, अब मैं कर लूँगी धुलाई ठीक से, क्योंकि हवा बहुत चल रही है, बारिश तो खैर इतनी नहीं हो रही है, यह हवा बहुत चलती है बहुत तेज़, तो मिट्टी आ जाती है घर में, क्योंकि खुला हुआ है हमारा घर सब तरफ से, तो इस वजह से मिट्टी बहुत आ जाती है, तो धुलाई करने से ही घर की घर में सफाई ज़्यादा मालूम पड़ती है। पोछा वगैरह तो रोज़ लगता ही है, मगर धुलाई की बात ही अलग होती है, जब जो धुलाई करने से चमक आती है, घर में साफ़ सफाई मालूम पड़ती है, वो रोज़ के झाड़ू पोछे से मालूम नहीं होती। बातें करते करते मेरी धुलाई साफ़ सफाई भी निपट गई है अब, और मैंने कपड़े भी वॉश कर दिए हैं, ये मैं अंदर ही डाल दूँगी कपड़े, क्योंकि बादल मालूम हो रहे थे और हमारी तरफ बंदर भी बहुत आते हैं, तो मैं बाहर कपड़े नहीं डालती हूँ, क्योंकि इधर साइड धूप आ जाती है, इस वजह से मैं कपड़े इधर ही डाल देती हूँ और सूख भी जाते हैं आराम से। तो गाइज़ ये शाम का टाइम है, यहाँ मैं स्नैक्स की तैयारी कर रही हूँ, मेरे बच्चों को भूख लग गई थी, हस्बैंड भी घर आ गए थे, तो मैंने कुछ नाश्ता बनाने की तैयारी में यहाँ लगी हुई हूँ। तो यहाँ मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं और मैं बनाऊँगी पोटैटो सैंडविच। तो यहाँ मैंने आलू बॉयल करके मैश कर दिए हैं, मैंने नमक, चाट मसाला, थोड़ी सी मिर्च डाली है, मिर्च मैंने थोड़ी ही डाली है बच्चों की वजह से, ज़्यादा मिर्च का बच्चे नहीं खा पाते हैं, इस वजह से थोड़ी डाली है। तो यहाँ मैंने ब्रेड ले लिए हैं, मेरे पास सैंडविच ब्रेड तो नहीं थे, नॉर्मल ब्रेड ही थे, वही मैंने ले लिए हैं, और होल ब्रेड लिए हैं मैंने, चारों तरफ के कोने नहीं निकाले हैं, अगर आप चाहते हैं ब्रेड के चारों तरफ के कोने निकालना तो आप निकाल सकते हैं। और ये मैंने तवा में थोड़े से घी डाल दिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं या रिफाइंड में, अगर आपको फ्राई करना है तो आप रिफाइंड में ही फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आलू की फिलिंग इस तरीके से ब्रेड में भरकर और तवा पे फ्राई करने के लिए रख दिए हैं ब्रेड, तो मैं हल्के हल्का इन्हें सेक लूँगी। तो गाइज़ आप पोटैटो सैंडविच वैसे तो नॉर्मली है, सभी के यहाँ बनता होगा, मगर अगर आपने अभी तक ये नहीं बनाया है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी टेस्टी लगता है और झटपट से बनने वाली रेसिपी है, अगर बच्चों को तुरंत भूख लगे, बच्चों की तो भूख ऐसी ही होती है, तुरंत एकदम से उन्हें भूख लग जाती है, तुरंत उन्हें खाने को कुछ ना कुछ चाहिए, मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है, तो झटपट से मैं यही बना के उन्हें खिला देती हूँ, काफ़ी फुलफिल वाली रेसिपी है, पेट भी भर जाता है उनका और मज़े से बच्चे खा भी लेते हैं सॉस के साथ। आप ट्राई कीजिए और बताइएगा मुझे कमेंट्स में कैसी लगी ये रेसिपी। सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चलो चले कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह।